बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं ये शुरू। तो रमज़ान की आमद है, तकरीबन एक दिन रह गया, परसों को उम्मीद है पहला रोज़ा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है आज कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो यही एक जो सब्सक्राइब करना होता है आपका, ये आपका प्यार मोहब्बत होती है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो अभी चारा लेने के लिए गए थे, चारा हमारा तकरीबन 10 या 15 मिनट लगे हैं, क्यों वो दातरे के साथ काटे हैं। तो दातरा पहले मैंने चलाने की कोशिश की है लेकिन नहीं चला मुझसे, तो वो फिर जो जिनको चलाना आता था उनको बुलाया, तो उन्होंने फिर काट के दिए, क्योंकि ये चलाना काफ़ी मुश्किल से है। तो ऐसा ऐसा इनको सीखेंगे, तो उनको चलाना आता है, वो मुसलसल चलाते हैं, उन्होंने दिया था हमें तो, लेकिन हमने पहले ट्राई की है, नहीं चला, तो फिर उन्होंने फिर काट के दिए हमें, तो इसलिए जल्दी फारग हुए हैं, अभी घर में आए हैं। तो पहले हम चारा लेके तकरीबन 10 बजे आते थे, 10 सवा 10 हो जाते थे, आज तकरीबन 9:15 वापस आ गए हैं। तो अभी बस खाना जो है हमारा वो तैयार हो रहा है, तो वो खाएंगे। फिर छोटा सा एक काम है वो भी करना है हमने, वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे। घर की लाना उठे एक दो जगह ना बजरी पाने वाली है, उसे एक तो ला देंगे, वो करवा देंगे। ये बना दे ना लगा दे, ये तो काम हो रहा है, मेहनत हो रही है। क्या बना रहे हैं इसको, क्या कहते हैं? पता नहीं की कहते हैं, तू बना अड्डा डब्बा और पा बस ठीक है। ओ अड्डा पाना सी, अड्डा हम तो दोनों ही बना हुआ, बाजू का खैर है कितने और ला लेंगे। एक डब्बा पाया सी ना, दो डब्बे पाए, दो पाया दो। हां और रेत ला के रही हो? नहीं हाँ, थोड़ी है बजरी, दो आए खाटा। ये डब्बा पा दे भर के, बहुत तंग करते बकरियों में। हाँ हाँ, पर 2 मिनट बाद चक्कर ला के आ जाते इधर, फिर उरे उरे इधर आ, इधर आ, तू की कर दी है। दे दे रही खड़ी की मैं भी, Thank you.
इन फिर तेल लाया नहीं तेल लगा यार यार कल भी तो ना यार ओनू पलाया होना ना तेल ओनू पलांदे यार की कहते गां शायद ये पानी थोड़ा ही रखो यार ये बच्ची डाल देना कितना पानी पिया ना ये पानी जी डाल देना सारा अज तक मिस्त्री बनाया तू है तू ही बनाया वा पसीना भी आ रहा दिन का आया आया आमा ये दोस्त को शौक है बॉडी बनाने का तो उसका कुछ सामान बना के दे रहा था तो कल बना के दिया था कुछ कल थोड़ा सा रहता था वो आज बनाया मैंने तो इसीलिए वही काम कर रहे थे अभी उनको बना के रखा है अभी सिर्फ कंप्यूटर पे थोड़ा सा काम करने लगे थे ये देखें ये खुला हुआ है कितने तैयार हो गया पट्ठे नहीं है मक्की है ना ना पट्ठे मक्की है बेची है बेचने वाली होनी ही लगता असर का टाइम और है क्यों हमारा टाइम यही होता है मैंने पहले भी बताया हुआ है कि दोपहर को गर्मी काफ़ी होती है गर्मी करता करता तो दिन में सिर्फ इसका ही वो छोटा सा काम किया था हाँ मैं भी साथ ही हूँ आज हाँ साथ ही इसके साथ ही रहता हूँ जब तक ये इधर है तो फिर उसके बाद आराम किया है तो जोहर की नमाज के बाद एडिटिंग की है पिछली वीडियो की क्यों आज अपलोड कर रही है तो वो अपलोड करने के बाद फिर घर वालों के पास बैठे रहे हैं तो उनके पास भी बैठना ज़रूरी है तो अभी असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम बाहर देखने के लिए निकले हैं ये बारात मिली है हमें देखने को इनका पता नहीं कौन सा शौक हो रहा है नबी कवे दे किदा कट्ठे हुए क्यों हुए वैसे ही खान पीन आया है सारे या कोई यानी फोतकी होगी होनी ये देखे काफी इकट्ठे हो रहे हैं ये ये इधर आज टूबल तो चल नहीं रहा है लेकिन ये पानी के साथ दरियाँ धो रहे हैं ये जो टेंट वगैरह वाले नहीं होते हैं वो आए हुए हैं आज इधर और आज हल्के हल्के से बादल भी हो रहे हैं ये देखें रात भी थे रात हवा भी अच्छी खासी चल रही थी मज़े की ठंड लग गई बस हफ्ता निकल जाए अपना हफ्ते तो बाद इनवा चला देंगे माशाल्लाह दे दो आउट माशाल्लाह दे बस मैच के बारे बोले दो आउट हो गए पहले में पहली बॉल पे रिजवान आउट हो गया फिर कौन सा आउट हुआ था शर्जील आउट हो गया कैच यही बोल सकता हूँ आज मुझे बहुत एलर्जी है मैच से तुझे शौक ही नहीं है ना अभी पहले मैं बहुत शौक से देखता था यही शौक से देखता है तो पहले मैं भी देखता था तकरीबन जब मेरा मैट्रिक का टाइम था नाइन्थ और मैट्रिक के टाइम में तो काफ़ी शौक होता था इसको देखने का लेकिन अब नहीं है क्यों उन दिनों हम इस मैच के पीछे रात को जागते भी थे टाइम भी ज़ाया करते थे लेकिन जब बाद में पता चलता था कि इनकी गेम कुछ और ही होती है अंदर से नहीं कुछ नहीं होती तो आवाम को कुछ और दिखाते हैं वही तो बस उस वक्त से दिमाग माउफ है अब मैं मैच के करीब जाता भी नहीं बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ ना ही देखने का शौक है बस अपना ही ये मैच चलता है आप दोस्तों के साथ बस इसी के चक्कर में लगे रहते हैं तो इसी में मज़ा भी आता है आप दोस्तों को जो ये वीडियो बना के हम सेंड करते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है काम करने में मज़ा आता है मौसम आजकल ठंडा मीठा सा चल रहा है
क्यों, रात भी बादल हो रहे थे, हवाएं रात भी बादल हो रहे थे, हवा काफ़ी मज़े की चल रही थी, ठंडी ठंडी सी। तो बादल आज भी हो रहे हैं और हवा भी चल रही है काफ़ी मज़े की। ये देखें इस साइड से वो छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं जो इस बार इन्होंने दिए हैं बारिशों में, बहुत छोटे छोटे से, इतने इतने से हैं। तो बाहर नहीं निकलने देते हैं क्यों, जो वो पहले वाले बड़े हैं वो तो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। ये देखें ये सामने बैठे हैं, ये जाली के पास छोटे छोटे से हैं, ये देखें बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये भी माशाल्लाह हमारे काफ़ी बड़े हो चुके हैं कि उनके पर निकलना शुरू हो चुके हैं। ये देखें मरी के बाद बैठा था लैपटॉप लेके वीडियो अपलोड करने, तो आज माशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो अपलोड हुई है। तकरीबन मेरा 15 से 20 मिनट लगे हैं वीडियो अपलोड होने में, क्यों ऐसे काम करने में काफ़ी मज़ा आता है कि जब नेट की स्पीड बेहतर हो, क्यों मैंने 2 बार कंप्लेन की है फिर जाके मेरा नेट ठीक हुआ है। तो अभी फारग हुए हैं सब कुछ करके, इसको पब्लिश अभी किए हैं, पहले सब कुछ टैग वगैरह लगाए हैं। तो अभी बस लैपटॉप बंद करने लगा था, मैंने कहा आप दोस्तों को दिखा दें सामने की सूरत हाल। तो बस अब ईशा का टाइम होने वाला है, 5-10 मिनट रहते हैं अजान को, तो नमाज पढ़ेंगे फिर उसके बाद आराम ही करेंगे, और कुछ तो मूड नहीं है आज हमारा। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा, और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।